काम करते हैं। अब तक हम लोग सिर्फ एक दो रेजिस्टेंस के साथ काम कर रहे थे, आज हम लोग चार रेजिस्टेंस लेते हैं। फर्स्ट कह लीजिए कि हमारे पास चार रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3 एंड R4। और इंटरेस्टिंग काम ये कि इन्हें हम इस तरीके से जोड़ते हैं कि आपस में ये एक क्लोज्ड पाथ बना लेते हैं। इस तरीके से हम इसे जोड़ देते हैं कि ये क्लोज्ड पाथ बन जाता है ऐसे। और इन दो पॉइंट्स इन्हें पॉइंट्स भी दे देते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी है। पॉइंट सी और डी के दरमियान हम एक गैल्वानोमीटर जी लगा देते हैं और पॉइंट ए और बी को जो है हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने एक बैटरी ली जिसका वोल्टेज तकरीबन 6 वोल्ट है। यहाँ पर हम लोगों ने 6 वोल्ट की एक बैटरी ली और उसके साथ हम लोगों ने इसे जोड़ दिया। अब ये हमारी रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये हमारी रेजिस्टेंस जो है वो R3 है और ये हमारी रेजिस्टेंस R4 है। तो इस तरीके से एक क्लोज सा पाथ बन गया। इस पाथ को हम लोग कहते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज के जरिए जो है हम किसी भी सर्किट के अंदर जो है अननोन जो रेजिस्टेंस है उसे मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर थ्री रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास R4 को मैं ये कह लूँ कि R4 को फर्स्ट कर लीजिए कि Rx है, तो मैं इस Rx को फाइंड आउट कर सकती हूँ। वो फाइंड आउट इस तरीके से कर सकती हूँ कि ये जो पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है ये इस प्रिंसिपल पर बेस करता है कि इस गैल्वानोमीटर के अंदर से कोई भी करंट पास नहीं करता, यानी कि गैल्वानोमीटर के अंदर से जो करंट है वो IG0 है। अब ये IG0 क्यों है? IG0 इसलिए है कि अगर किसी किसी चीज़ को आप सर्किट के बैटरी के साथ जोड़ दें और बैटरी के दोनों ही पोटेंशियल यानी कि उसके दोनों हिस्से पर जिस चीज़ को आपने बैटरी के साथ जोड़ा है दोनों हिस्सों पर पोटेंशियल इक्वल हो, तो उसमें से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। लेट्स से कि यहाँ पर आप लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया और ये नेगेटिव टर्मिनल। आपको मालूम है कि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हाई होता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर इन दोनों जगहों पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इस गैल्वानोमीटर के अंदर से करंट पास नहीं करता। यही वजह है कि ब्रिज जो है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें चूंकि सी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाता है, इस वजह से गैल्वानोमीटर के अंदर से कोई भी करंट पास नहीं करता। इसमें से कोई भी करंट पास नहीं करता इसलिए IG इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अब ए की वजह से जो करंट यहाँ पर फ्लो करेगा वही करंट I2 में से भी पास करेगा। इसका मतलब है R1 में से भी I1 करंट पास हो रहा है और R2 में से भी जो है, अगर R2 में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है, उसे I2 कह लें इसी तरीके से। लेकिन ये करंट जो है ए के पाथ में फ्लो कर रहा है, यानी कि आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि जो I1 करंट R1 में से पास कर रहा है और वो बराबर होगा उस I2 करंट के जो R2 रेजिस्टेंस में से पास कर रहा है, जो कि दोनों का पाथ जो है वो सेम है। सिमिलरली इस जंक्शन पॉइंट ए से जो करंट इस तरफ गया है R3 की तरफ वो I3 करंट है और जो R4 की तरफ गया है वो I4 करंट है। लेकिन इन दोनों करंट्स की डायरेक्शन भी आपस में सेम है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो I3 करंट R3 में से गुजरा है वो I3 करंट उस R4 में से गुजरने वाले करंट I4 के इक्वेलेंट लिया जा सकता है। इन्हें आपस में इक्वल क्यों लिया जा सकता है? इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि एक ही पॉइंट से जो है एक ही रास्ते में आ रहे हैं, यानी कि पॉइंट ए से मूव करते हुए R3 में आए और एक ही रास्ते से चलते हुए R4 के पास चले गए और यहाँ से ये दोबारा RB से मूव करते हुए वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएंगे और यहाँ से R2 से भी जो करंट है वो बी से होता हुआ वापस इस तरफ आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो मैं कह सकती हूँ कि मैं अपनी पहली इक्वेशन बनाती हूँ कि जो मेरे पास I1 है, I1 इंटू R1 वो बराबर होगा I1 इंटू I3 के, यानी कि इस गैल्वानोमीटर के एक साइड पे मौजूद रेजिस्टेंस आपस में बराबर है और इस गैल्वानोमीटर के राइट साइड पे मौजूद जो दोनों रेजिस्टेंस है ये आपस में बराबर है। अगर I1 बराबर है I3 के, बराबर है I2 नहीं, यहाँ पर I3 इंटू R3, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। दूसरी क्वेश्चन ये है कि हमारे पास I2 इंटू R2 बराबर हो जाएगा I4 इंटू R4, यानी कि हम लोगों ने जंक्शन के एक साइड पे मौजूद रेजिस्टेंस को आपस में इक्वेलेट कर लिया और गैल्वेनोमीटर के इस तरफ मौजूद रेजिस्टेंस को आपस में इक्वेलेट कर लिया। जब इन्हें आपस में इक्वेलेट किया है या इक्वल किया है तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अगर मैं ये कहूँ कि जो I2 करंट इसमें से पास कर रहा है रेजिस्टेंस R2 में से, ये I2 करंट उसी करंट के बराबर है जो I1 या करंट है, यानी कि जो रेजिस्टेंस R1 में से, जो इस रेजिस्टेंस R1 में से करंट पास कर रहा है वो इस रेजिस्टेंस R2 में से पास करने वाले I2 करंट के बराबर है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो I2 करंट है यहाँ पर
इसे मैं बराबर ले सकती हूँ आई वन करंट के, तो आई वन करंट के बराबर लूँगी तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर टू जो है उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि ये आई वन इंटू आर टू के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली से मैं टू डैश कह देती हूँ, इसी तरह से जो आई फोर करंट है क्या वो आई थ्री करंट के बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि जो आई थ्री करंट है वो पॉइंट ए से फ्लो करता हुआ आ रहा है और वही करंट सेम वही करंट रेजिस्टेंस आर फोर की तरफ भी चले जाता है, क्योंकि ये एक ही करंट ए के रास्ते से फ्लो कर रहा है। इनका रास्ता चूँकि सेम है तो मैं कह सकती हूँ कि हमारा जो आई फोर करंट है ये आई थ्री करंट है वापस में बराबर है। यहाँ पर आई फोर करंट दिया गया है तो मैं कह सकती हूँ कि आई फोर करंट जो है वो आई थ्री करंट के बराबर है और आर फोर एज इट इज़। अब अगर मैं इक्वेशन एक इक्वेशन वन को और टू डैश को डिवाइड करूँ आपस में तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाएगा जिसमें आई वन डिवाइडेड इंटू आर वन इज इक्वल्स टू आई थ्री इंटू आर थ्री डिवाइडेड बाई आई वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आई थ्री इंटू आर फोर। तो ये आई थ्री से कैंसिल, आई वन से कैंसिल। इसका मतलब है कि आर वन डिवाइडेड बाई आर टू इज इक्वल्स टू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर फोर है। देखा जाए तो वैसे भी हम लोगों ने यही बात की थी कि रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर की एक साइड पर रेजिस्टेंस है उन्हें हम आपस में इक्विलेट कर लेते हैं और दूसरी साइड पर रेजिस्टेंस को आपस में इक्विलेट करने से हमें ये पता चल गया कि हम इन रेजिस्टेंस की रेशो ले सकते हैं जो कि दूसरी साइड पर मौजूद रेजिस्टेंस की रेशो के बराबर है। अब बात आती है कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका एडवांटेज क्या है। हमें मालूम है कि आई वन डिवाइडेड बाई आई टू बराबर है आई थ्री डिवाइडेड बाई आई फोर के। हो सकता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दी गई हो, दो तीन रेजिस्टेंस दी गई हो, लेकिन ये चौथी रेजिस्टेंस आर एक्स ना दी गई हो, आर फोर की जगह कोई एक रेजिस्टेंस आर एक्स लगा दी गई हो और उसे हमने मालूम करना हो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो आर फोर है इसे लेट्स सपोज कि आर एक्स लिख देती हूँ। तो अगर मुझे ये आर एक्स फाइंड आउट करनी है तो जाहिर सी बात है मैं आर एक्स फाइंड आउट करने के लिए ही करूँगी कि आर थ्री एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर R1 आके डिवाइड हो जाएगा और R2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं जो है Rx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये भी ज़रूरी नहीं होता कि मेरे पास हमेशा चार रेजिस्टेंस या दो रेजिस्टेंस दी गई हैं। हो सकता है ना एक हमने मालूम करी हो लेकिन तीन तो दी होंगी, लेकिन बास कंडीशन में ऐसा होता है कि हमें सिर्फ दो रेजिस्टेंस दी गई होती है और दो रेजिस्टेंस नहीं दी गई होती। उन दो को इस्तेमाल करते हुए और व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए ही हमें अगली दो रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। वो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि लक्ष्य कि ये मेरे पास जो है इसे मैं इस तरीके से बना देती हूँ कि ये हमारे पास एक एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास दूसरी रेजिस्टेंस है, इसे R1 कह देते हैं और ये R3 ऐसे ही यहाँ पर बल्कि R2 भी, हाँ जी यहाँ पर R2 है। अब ये दो रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास पॉइंट ए है जिसे हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है ये पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहाँ पर पॉइंट बी है जिसे हम लोगों ने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट सी है, सी और पॉइंट डी के दरमियान जो है एक गैल्वेनोमीटर प्लेस किया गया है इस तरीके से। अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस नहीं दी गई बल्कि यहाँ पर वायर लगा दी गई है, यहाँ पर पॉइंट डी पर भी एक वायर लगा दी गई है और पॉइंट डी और ए के दरमियान भी एक वायर लगा दी गई है, और हमें यह कहा गया है कि हमने डी बी की जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है या इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, तो ये हम किस तरीके से करेंगे? इसके लिए हम वही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। हमें मालूम है कि पॉइंट ए से जो करंट आर वन रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा वही करंट हमारे पास ए डी की तरफ भी आएगा, और अब वही नहीं बल्कि डिफरेंट करंट आएगा, क्योंकि अब जो है वो पॉइंट इस जंक्शन की वजह से करंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो गई है। जो करंट इस आर वन की तरफ गया है वही करंट सिमिलरली आर टू की तरफ गया है, यानी कि यहाँ पर आई टू करंट है और यहाँ पर आई वन करंट, और यहाँ पर आई थ्री करंट वही करंट है जो आई फोर में से पास करे, जो इस डी डी लेंथ में से पास करेगा, इसे आई फोर कह देते हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि जो रेजिस्टेंस होती है रेजिस्टेंस हमेशा वो जो है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और रेजिस्टेंस हमेशा रिलेट करती है डायरेक्टली विद लेंथ एंड इन्वर्सली विद एरिया। तो अगर मैं ये कह दूं कि मैंने जो दोनों वायर्स इस्तेमाल की हैं उनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया और उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट है, तो इस पूरी चीज़ को मैं कांस्टेंट ले सकती हूँ। इसका मतलब है अगर ये कांस्टेंट है तो आर जो है वो रिलेट कर रहा है डायरेक्टली विद एल के साथ। इसका मतलब है आर जो है इसे मैंने कांस्टेंट मान लिया तो आर जो है एल के बराबर है। अगर मुझे ये लेंथ पता चल जाए, इस लेंथ की वैल्यू पता चल जाए, तो मैं रेजिस्टेंस आर के बारे में बता सकती हूँ। इस रेजिस्टेंस को किस तरीके से इन तरीके से कैलकुलेट करेंगे? हमें मालूम है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस आर वन डिवाइडेड बाई आर टू, यहाँ पर अब हमारे पास आर टू नहीं है बल्कि आर थ्री आएगा, यहाँ पर आर वन डिवाइडेड बाई आर थ्री, लेकिन आर थ्री हमारे पास गिवन नहीं है, उसकी जगह हमारे पास ए डी गिवन है जो कि उसकी लेंथ है, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आर टू डिवाइडेड बाई आर फोर था, लेकिन इस केस में आर फोर भी नहीं हमें दिया गया बल्कि यहाँ पर डी बी लेंथ दी गई है जिसके बारे में हमें मालूम करना है कि ये कितनी लेंथ है इसकी। इसको मालूम करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि R1 जो है डिवाइडेड बाय
AD इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाई BD। अब हमें ये वाली चीज़ मालूम करनी है ना, तो हम BD को इस तरफ ले आएंगे जैसे हमने RX को साइड पर किया था। यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R1 इंटू AD। अगर हमें AD की लेंथ गिवन हो, हमें रेजिस्टेंस R1 और R2 तो पहले ही गिवन है, तो हम लोग जो है BD की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, BD की जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जो है हम लोग मीटर ब्रिज कहते हैं। ये एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, और जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये एप्लीकेशन है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सर्किट में मौजूद रेजिस्टेंस जो कि अननोन हो उसके बारे में पता लगा सकते हैं, और अगर दो रेजिस्टेंस गिवन हो और दो वायर्स दी गई हो तो हम उनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में था कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और मीटर ब्रिज क्या है। होप सो आपको काफ़ी हद तक